मैं फिक्र नहीं मांगा। चुनाव का माहौल हो और कोई ये कह दे, ऐसा कम ही सुनने और देखने को मिलता है। लेकिन गाजीपुर लोकसभा सीट पर कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां बीजेपी ने मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी के सामने पारस नाथ राय को टिकट दिया और जब उनसे ये पूछा गया कि आपने टिकट मांगा है तो उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया। गाजीपुर लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित सीटों में से एक बन गई है। मुख्तार की मौत के बाद से यहां इस बात को लेकर चर्चा तेज हो गई थी कि आखिर इस सीट से अफजाल के सामने बीजेपी किसे टिकट देगी, जो अब साफ हो चुका है, बीजेपी ने पारस नाथ राय को टिकट दिया है। आखिर कौन है पारस नाथ राय, ये तो हम जानेंगे ही, लेकिन उससे पहले टिकट मिलने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुन लीजिए। संघ का दायित्वपूर्ण अधिकारी था, अभी मुक्त हुआ। जब मुझे पता चला तो मैं क्लास पढ़ा रहा था, तो जब मुझे पहले बताया गया तो हमको नहीं लगा कि मैं प्रत्याशी हो गया हूँ। भारतीय जनता पार्टी हमेशा चौंकाती है, क्या आप भी चौंक गए? हम चौंके नहीं, हमको लगा कि संगठन ने कोई दूसरी जिम्मेदारी दे दी तो अब ये काम करना चाहिए। आपने टिकट मांगा था? मैं टिकट नहीं मांगा। तो आपने जो आस्था व्यक्त किया है पार्टी में जी? आपको क्या लगता है ये जो आपको दायित्व तो मिला है ये क्यों मिला? हम एक साधारण स्वयंसेवक रहे हैं, संघ ने जो भी जो काम दिया है, संगठन ने हमेशा उसको पूर्ण मनोयोग से पूरा किया है। आज संगठन ने सोचा कि मैं पार्लियामेंट लड़ूं, तो अचानक सूचना मेरे पास आई, मैं तैयार हूं लड़ने के लिए। सामने जो लोग हैं उनसे कैसे? सामने कोई भी रहे, मैं तो सिपाही हूँ, सिपाही की तरह हमेशा लड़ा हूँ, आज भी वैसे लड़ूंगा। पारस राय जी, आपका जो संघ और भाजपा के साथ कितना पुराना है? बहुत पुराना रिश्ता है, कक्षा 8 में पढ़ता था तभी से, हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ा तब से और प्रखर हुआ हूँ। बात में हमेशा संघ के काम में लगा रहा, जब जो दायित्व मिला वो किया। पारस राय जी, पक्के वाली जो है बीजेपी आपको मैदान में चुनावी मैदान उतार रही है, ऐसे में सिटिंग एमएलए और फिर से सपा में कैसे बनाए, कैसे देखते हैं? मैंने आपसे एक बात कहा, मैं तो सिपाही हूँ संगठन का, चाहे सामने कोई भी हो, चाहे एक बार वाला हो चाहे पांच बार वाला हो, मुझे तो लड़ना है और लड़ाई जीतनी है ये मैं जानता हूँ। क्या समीकरण रहेंगे, क्योंकि जातीय आंकड़ा अभी मैं इस क्षेत्र में उतरा नहीं, कल से घूमूंगा तो समीकरण पता चलेगा, लेकिन ये तो मैं जानता हूँ कि पूरे जिले में घुमा हूँ, गली गली घुमा हूँ, दरवाजे दरवाजे घुमा हूँ, कोई ऐसा गांव नहीं है जहाँ मैं नहीं गया हूँ। संघ के काम से मेरी मोटरसाइकिल हर दरवाजे गई है और सबसे मेरा परिचय है, यही मेरा आधार है काम का। वही बात अगर गाजीपुर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार पारस नाथ राय की करें तो 2 जनवरी 1955 को जखनिया विधानसभा क्षेत्र के मनिहारी ब्लॉक की ग्राम पंचायत सिखड़ी में जन्मे पारस नाथ को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और गाजीपुर के पूर्व सांसद मनोज सिन्हा का करीबी माना जाता है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से परास्नातक है तथा पीजी कॉलेज गाजीपुर से बीएड की शिक्षा प्राप्त किए हैं। वह छात्र जीवन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे हैं, लंबे समय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़े थे। 1986 में संघ के जिला कार्यवाहक सहित विभिन्न पदों पर वे रह चुके हैं और अब लोकसभा चुनाव में बीजेपी के गाजीपुर से प्रत्याशी हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही, खबरों से जुड़े ताजा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।